हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो गई हूँ तैयार, हम लोग जा रहे हैं शादी में और ये है मैं भी हो गया हूँ तैयार। आज दिन की शादी है। हाँ, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। दिन की हो रही है। दिन में तैयार होना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो तो अच्छा, ज्यादा गर्मी नहीं, नहीं तो अभी तो नहा गए होते पसीने। हाँ, मैंने यार कुछ किया भी नहीं ज्यादा। मैंने हाँ मेकअप किया ऑब्वियसली, ठीक है, पर बालों के साथ मैं कुछ स्ट्रेट ही रखूँ, है ना। क्यों, बाल काटने की नहीं किया? टाइम भी नहीं था ना, लेट हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। तो ये जो है ना, ये साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, ये पूरी फर्स्ट टाइम पहन रही है। और मैंने नोटिस किया इसमें ब्लैक भी है अंदर है, पर है। हाँ, इसमें ब्लैक भी है और ये डबल साड़ी है और पल्ला में फ्लावर है, ब्लाउज में फ्लावर है। और इसके साथ मैंने ये स्टेटमेंट पीस पहन लिया क्योंकि कुछ मैच नहीं हो रहा था, कड़े पहन लिए क्योंकि चूड़ियाँ नहीं थी। खाली खाली सा क्यों लग रहा है? ऑलरेडी इतना हैवी है तो गले में बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए हैवी पीस पहन लिया और गले का दिखता भी नहीं, ठीक है। और इतना हैवी पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत मैचिंग भी नहीं था। यह मेरा मेकअप, तो मैंने क्या किया है, ग्रीन थोड़ा सा गोल्डन टच दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक लाइनर लगाया था, उसके बाद मैंने ग्रीन ग्लिटर लाइनर लगाया है और फिर नीचे मैंने हल्का सा ग्रीन से स्मोक आउट कर दिया है, ठीक है, लोअर लैश लाइन। और ये बिंदी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ी फर्जी टाइप की बिंदी है पर ज़रूरी बहुत है। तो बिंदी का पैकेट मैं अपने साथ हमेशा लेके जाती हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर बिंदी बीच में निकल जाती है। स्टोन वाली बिंदी सबसे फर्जी होती है, स्पेशली जो मोटे स्टोन होते हैं ना, बड़े स्टोन, वो वाली बिंदियाँ बहुत फर्जी होती है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं शादी अटेंड करने। 1 2 3 गो। ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का। हाय राम, चलिए चलते हैं, प्यास भी लग रही है। देखो बताओ, अभी तो अच्छा लग रहा है ना। तो पता है आपको, जाने से पहले राजा ने मुझसे बोला कि कुछ कर लो, तो मैंने थोड़े से क्रम कर लिए क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो निकल रहे हैं और मेरा पल्ला गिर गया है, तो इसे प्रणाम करना बहुत ही मुश्किल था। तो क्रम जो है मैं आपको दिख रहा हूँ, मैंने फ्रंट और साइड कर लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ये एक फ़ायदा होता है क्रिम्पिंग मशीन का। चलिए चलिए चलिए, पधारो सा। हाँ, पता, दिन की शादी सीरियसली बहुत अजीब सी होती है, ऐसा लगता है कि मेकअप मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिसंबर चल जरूर रहा है पर दिसंबर जैसा कुछ नहीं है। मास्क का है, धूप देखिए बस, इतनी तेज धूप है ना, आंखों में पड़ के आंखें जल गई मेरी। दादा की गाड़ी खड़ी, दादा भी आए हैं तो मास्क लगा लिया गया। तो जब भी अगर आप शादी वादी में जा रहे हैं, चाहे कितने भी उसकी शादी हो, कितने कम लोग हो, प्लीज़ मास्क लगाइए ही लगाइए क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली किसको क्या हो पता नहीं। मास्क लगा के रखिए, एक चीज़ आप कर सकते हो वो है मास्क लगाना। तो चलिए चलते हैं। क्या चपाती? चावल। कोई दिक्कत नहीं, नीचे टाल सके तो हिला प्यार टाल एक साथ चाहिए। मैं भैया को सब ही बताया, अपनी फिर मतलब उसमें जितनी क्षमता होगी उतना सहेगा, मतलब अभी लगेगा ना, स्लिप होता है, बंदा है। मेरे को उतार दो।
तो हम लोग आ गए हैं और रात नहीं हुई आज, पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना दिन बड़े हो गए, 5:22 हो रहे हैं और अभी ना हो एक घंटे मैं सांस ले रही हूँ तो ये उतारती हूँ। हाँ तो अभी वहाँ पे फेरी की तैयारी शुरू होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था तो मुझे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पूरे हॉल में धुआं भर गया था। हाँ शादी अटेंड कर ली है और मज़ा आया, अच्छा लगा बहुत टाइम बाद, और हमें पता है कि हमें बहुत टाइम तक शादी नहीं मिलती है क्योंकि हम लोग की फैमिली में लोग ही नहीं है तो हम कहाँ से शादी में जाएंगे, है ना। सबकी शादी हो गई, फ्रेंड्स की हो गई, पावल की बची है बस, और इनके सारे फ्रेंड्स की हो गई, उनकी बहनों की हो गई, कोई नहीं बचा, सबकी कोई नहीं बचा, सबकी शादी होगी, तब कोई नहीं बचा। एक टाइम था अभी ये जो 4-5 साल थे उस बीच में बहुत शादी चला। ओह माय गॉड, ये कौन सा चक्कर है, अच्छा लगा। आ गए हम लोग और अब लग रहा है सो जाओ। आजकल हम लोग सिर्फ सोने पे ध्यान लगाते हैं, यार गर्मी क्यों नहीं, ठंड क्यों नहीं पड़ रही है। ये देखिए आते ही कपड़े उतारने लगे हैं, अब क्या करेंगे आप, देख रहे हो अब आप पूरे कपड़े उतार लेंगे तो? क्या आप कैमरे के सामने उतारना चाहते हैं? क्या आप स्ट्रिप करेंगे? बहुत ही वायरल हो जाएगा। मैं भी जा रही हूँ, अब मैं भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि पता है बहुत कंफर्टेबल होती है ये वाली साड़ियाँ, आप पूरे दिन घूम सकते हो, पर फिलहाल मेरे को नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, पता है मैं कभी भी टपक जाऊँगी, मुझे नींद आ रही है। पता है आजकल ना मेरे पास तो रीज़न है नींद आने का, तुम्हारे पास क्यों आ रही है तुम्हें नींद? आपके पास क्या रीज़न है? मैं दवाइयाँ खाती हूँ बहुत, अच्छा मैं दवाई हुई हूँ, शादी हुई तो पीना तो बनता ही है और ये पीने वाले हैं तो ये कह रहे हैं कि पता है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खा लिया है। ये तुमने क्या, ये कि क्या हो रहा है, ये दूसरी यार, ये दूसरी बार की उठेगा, पता क्या हुआ, ये पहले भी गिरा चुके हैं। ओए ओए जल्दी 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 जल्दी, सारी सब्जी रखी है जो मुझे फ्रिज में लगानी है, अभी लगाऊंगी। क्या झाग निकल रहा है इसमें, लेकिन तूने पूरा सोडा उड़ा दिया यही कर करके, तुमने दूसरी बारी बोतल गिराई। मिरिंडा टेक इट इजी, मिरिंडा के पति हो तुम, मिरिंडा के पति सबसे पहले बिंदी बोला आ मिरिंडा। हाँ मैं मिरिंडा हूँ और तुम पेप्सी, ये पेप्सी थम्स अप। तो मैंने चेंज कर लिया, मैंने मेकअप नहीं निकाला है, राजा ऑफिस के लिए निकल गए हैं फिर से, और वो कार के लिए भी कुछ काम था उन्हें, कार में ना पेंट कराना, मैं थोड़ा लेट हुई यार बेड की हालत से ही ना, ओहो मेरे पैर में गिर गया, तो ना कार में पेंट भी कराना है, तो पेंट वेंट के लिए कार जाएगी कम से कम 10 दिन के लिए, तो एकदम ब्रांड नहीं होके आ जाती है जब आप पेंट वेंट करा लेते, बहुत टाइम से नहीं हुआ है, आई थिंक बहुत टाइम से क्या कभी हुआ ही नहीं जब से आई है कार, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा कार को अच्छा कर लेते हैं क्योंकि नया साल आने वाला है, और मैं ना अपने लिए थोड़ा सा, मैं अपने लिए थोड़ी सिमली लेके आई हूँ और काला नमक लेके आई हूँ, एक्चुअली मैं पल्स खाती हूँ, पल्स ख़त्म हो गई है और मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं खाने के लिए, मेरे एप्पल्स ख़त्म हो गए हैं, और ऑरेंजेस ख़त्म हो गए, वरना मैं ऑरेंजेस पे काला नमक डाल लेती हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अभी जाके मैं फ्रूट्स की शॉपिंग करूँगी, पर फिलहाल मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, और अगर हो सका तो मैं राजा से कह दूँगी, और अगर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ तो फिर मैं राजा को बोल दूँगी, बोले आएँगे। एक्चुअली में क्या है, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ आराम से, पर दवाइयाँ जो है ना आपकी वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, मैं अगर कुछ भी एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना, लाइक अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान सी हो जाती है, जबकि कुछ नहीं किया है मैंने, मैं सिर्फ गई हूँ और इवन मैंने इतना कोई घूमी भी नहीं हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं कहाँ घूम के आ गई हूँ, तो थोड़ी सी हिम्मत डाउन हो जाती है मेरी, और कुछ खाने को नहीं था तो मैं ये ले आई हूँ क्योंकि मेरा जी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, खाना खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं ये खाती हूँ। अब मैं जा रही थोड़ी देर सोने, जबकि मैं सो के उठी थी, फिर मैं तैयार हुई हूँ और फिर हम लोग शादी में चले गए थे, पर मैं फिर से सोने जा रही हूँ क्योंकि ये सब दवाइयों का असर है, और मुझे पता है कि दवाइयाँ जब आप खाते हैं तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो मेरा जी बहुत ऐसा हो रहा था कि सब कुछ बाहर आ जाएगा, और आई थिंक आप मेरी तबीयत देख के समझ सकते हैं कि मेरा सब कुछ फूल रहा है, सांस ठीक है, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही सबसे पहले, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ ठीक है, फिर मैं सोती हूँ, फिर थोड़ा सा बेटर होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं थोड़ी देर उठ के सो गई हूँ, तो मैंने इतनी सी इमली खाई थी, थोड़ा जी मेरा सही हुआ,
तो प्लीज़ इमली खाने से प्रोडक्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन, जैसे कोई लड़की खट्टा खाती है, इमली खाती है, तो मैं जब छोटी थी ना तो मैं घर में रखा हुआ आम के अचार की बॉटलें खा जाती थी, मतलब आम का अचार खा जाती थी इतना इतना एक एक बार में, मतलब उठा उठा के खाती थी। तो मुझे बचपन से पता, मुझे इमली, जैसे मैं बहुत इमली के चावल वगैरह खाते, मुझे बचपन से बहुत पसंद है। दवाई के टाइम आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी खाई है, पूरी नहीं खाई। तो राजा आने के बाद ऑफिस चले गए थे, अभी आने वाले हैं, आई थिंक आ ही गए। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ फ्रूट्स लेने, मुझे फ्रूट्स चाहिए थे, ताकि फ्रूट से क्या रहता है कि आपको एनर्जी मिलती रहती है, और अभी मैं थोड़ा लो लेवल पे चलती हूँ एनर्जी के। ये आ गए तो मैं जा रही हूँ फ्रूट्स लेने। तो मैं सोच रही हूँ कि दो तीन प्रकार के, जैसे कि संतरा हो गया, सेब ख़त्म हो गए थे, ठीक है, और अमरूद मिल जाए, अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा, ठीक है। सीताफल भी आए हुए हैं, पर सीताफल लाऊंगी नहीं, सीताफल सर्दी के लिए वो। और तरबूज यार, पता है मुझे तरबूज खाने का भी बहुत मन कर रहा है। तो मुझे फ्रूट्स ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फ्रूट चाट बना के दे दे, हाय हाय। तो मैं फ्रूट्स लेने जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं फ्रूट्स लेने। आ रही हूँ, आ ले हूँ, आ जाओ। हम लोगों ने मरिंडा एक ग्लास में निकाली थी, मैं चली गई थी वहाँ, क्या बोलते हैं, लेटने। और ये देखिए, ये देखिए मरिंडा जो है वो रखी है, मिर्ची भी रखी है, सब्जी उठा के ले गई थी, दो तीन मिर्ची गिर गई थी यहाँ पे। तो फ्रूट्स ले लिए हैं, पीछे रख दिए हैं यार, पता है आपको, वो जो हम कंबल लेके गए थे ना, वो कंबल अभी तक नहीं उठाया यहाँ से, ठीक है। तो अभी ना मैंने नारियल पानी पिया है, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी कम हो रही है। मैं राजा से कह रही थी मुझे ड्रिप ना लगवानी पड़ जाए, डॉक्टर को कॉल किया, ये ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं सिर्फ शादी में गई, मैं बता रही हूँ मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर के भी मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं जिनसे हम इलाज करा रहे हैं, ठीक है। और वो डॉक्टर ऐसी हैं कि आप उन्हें कभी भी कॉल कर लो, और अगर आपको इमरजेंसी होगी ना तो वो आपको बुला भी लेंगे। तो जैसे उस दिन मैंने सोनोग्राफी कराई थी, तो हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि आप उन्हें नारियल पानी पिलाओ, और डेली सुबह उठ के ना नारियल पानी पिए ही पिए, मैं ये बादाम नहीं खा रही थी बीच में। तो फिर मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला आप 4 से 5 बादाम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो बीच में छोड़ दी थी मैंने। राजा आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। फिर मैंने लिए हैं संतरे और सेब, तरबूजा नहीं मिला राजा, वाटरमेलन नहीं मिला ना, नहीं वाटरमेलन कहीं नहीं था राजा, अमरूद भी नहीं मिला यार। दिन में मिलेगा बेटा ये सब, रात में कुछ नहीं मिलता। अरे बेचने वाले भी नहीं आते हमारे, क्या बोलते हैं, रात में भूत होते हैं। ये गाना अभी कहाँ से आया, अभी अभी गा रहा हूँ, ये नहीं गाना आपको लगातार पूरे ब्लॉग में सुनने, या मेरे को तो अभी रात भर सुन लेबी, तब से गा रहा हूँ मैं, क्या सुन लिया मैंने जब राजा एक बार गाना सुन लेते। अरे हो सकता है वहाँ शादी में आए थे, पता आपको यहाँ पे बहुत मस्त डेकोरेशन, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मस्त घर सजाया यार, ऐसा लगा देख के ना, ऐसा लगा कि ओ हाँ मजा आ गया, आंखें तृप्त हो गई। नाउ अब बस कुछ ही देर में आपको दिखेगा वो घर, कोई छाप ना दे हमको भी, क्या छापेगा, मैं बोलूंगी मैं तो जबलपुर शूट कर रही थी, अब अगर बीच में आ गया, आपने क्यों बनाया बीच में घर, खड़े होके अंदर जाके दिखाया, हाँ तब जरूर डंडे मार के भगाएगा, वो बोलेगा हमारी हमारी डेकोरेशन को नजर लगा रहे हो, तो वेल डेकोरेटेड, मतलब मजा ही आ गया। अब सच में अंकल तो मारेंगे, हाँ देखिए देखिए, मतलब पता क्या क्यों चमक रहा है ये, मैं आपको बताती हूँ, इसमें लाल दुपट्टे जो डले हुए हैं ना, उसके ऊपर लाइट जो है ना वो बहुत प्यारी अब आ रही है। देखिए यहाँ पे शादी होगी, और ये घर पता अलग ही चमक रहा था, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं वो अच्छा लग रहा है उसको, मतलब क्या है, दूर से देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगा पास से, नहीं अच्छा लगा ये तो नहीं था कहीं, नहीं पास से नहीं अच्छा लगा। अरे बाप रे, बेइज्जती घर वालों की बेइज्जती, नहीं दूर से ऐसा लग रहा था जैसे महल, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे, पास जाके देखा तो राजा थे। तो ये वाले ना एप्पल आते हैं, ये जो एप्पल होते हैं ना, ये अलग तरह के एप्पल होते हैं, ये जो एप्पल होते हैं हाँ, इन एप्पल में पता है बहुत जूस रहता है ना राजा, मतलब बहुत टेस्टी है। ऑस्ट्रेलियन एप्पल आने वाले 240-250 रुपए किलो, वो बोल रहा था, वो सच बताओ, हाँ वही रसम बोल रहा था, वो भयंकर जूसी रहेंगे अपना, भयंकर। ये वाले कौन से, ये वाले इंडियन है, नहीं इसे भी कुछ बोलते हैं यार, उसका कुछ नाम ले रहा था, ये ना कुछ गोल गोल से रहते हैं,
ठीक है। और इनका जो रेट है वो नॉर्मल एप्पल से 20-30 रुपए ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये वाले एप्पल लेके आए थे हम लोग पिछली बार, इतने अच्छे राजा एप्पल नहीं खाते, राजा एप्पल खाने लगे थे, ठीक है। उसके बाद ये है संतरा, ठीक है। संतरा तो मैं अभी खाऊंगी, मैं एक काला नमक डालूंगी इसमें ना। संतरा छील तो दो खाओगे बहुत इच्छा सी हो रही है, खाएंगे ना प्लीज। ये मैं छील ली, मैं राजा को इनो दे रही हूँ। एक्चुअली मैं तो शाम को खाना खाया था, हम लोगों का कोई प्लान नहीं अभी खाना खाने का, तो मैं शायद दूध पी के सुलाऊंगी इनको, मैं हल्दी वाला दूध दे दूंगी, हम लोग रात में नहीं खाएंगे। पर इनको जो खाया है ना वहाँ, वही डाइजेस्ट नहीं हुआ। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो सही है, मेरे को डाइजेस्ट हो गया, इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। डुगु इनो इनो तो होनी चाहिए थी, वरना तुम्हें गैस की दवाई लेनी पड़ेगी। बट आई डोंट वांट टू गिव यू डैश की दवाई, डैश की दवाई। समटाइम यू शुड हेल्प योर सेल्फ। ऊपर चेक करो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। अरे मिल गया, हाँ ढूंढ के ढूंढा ढूंढा तो एक मिल गया। इनो ऑन, चलो फ्रूट सॉल्ट लेमन फ्लेवर। आ जाओ आ जाओ, ये है इनो और ये है एसिडिटी, ठीक है। अब हम इसको इस पे चिपका देंगे, आधे घंटे बाद एसिडिटी गायब हो जाएगी। तो ये कहता है कि 6 सेकंड के अंदर अंदर आपकी एसिडिटी चली जाती है, ये तो नहीं पता है, पर इसको खाने के बाद लोग आगे से और पीछे से खुल जाते हैं, इसलिए खुल जाते हैं, ठीक है। और अब तुम हॉल में रहोगे, मैं जा रही हूँ बेडरूम में, मेरे बेडरूम में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वैसे ही तबीयत खराब है, और कि कोई आस पास आके गलत गलत पदार्थों की स्मेल फैलाए। कर डाल लिया तुमने, वो पी लिया मैंने। अरे इनो पीने के टाइम पे रिएक्शन देखना, हाँ जो फेस का एक अलग एक्सप्रेशन आता है। वाओ जी, नहीं तुमने नहीं दिया, क्यों दू पी दे दो ना। मैंने इमली खाई काला नमक डाल के, और देखिए ये देखिए किसी के आगे के द्वार खुल गए, खुल गए तुम्हारे आगे के, तो खिल गए, खिल गए नहीं, ये काला पीछे के खोलना नहीं तुम, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी काला नमक, और ये दुनिया की बेस्ट चीज होगी खाने के लिए। वैसे फ्रूट्स कभी भी रात में नहीं खाने चाहिए, मैं नहीं खाती हूँ, पर फिलहाल ना मेरे को अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग, तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ अब, तो मुझे एक आई थिंक नींद की ज़रूरत थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थकान फील कर रही थी। कुछ रीजंस हैं जिनके कारण मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, और मेडिसिन सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे। तो चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग अलग चलती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ शेयर कर पाओ, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी कि आप शेयर नहीं कर पाते। एक्चुअली बोसस हो रहा है, और मुझे ना इसने बेड बनाने ही दिया क्योंकि वो हट ही नहीं रहा है। मैंने ना चादर नई डाल के रखी हुई है कि मुझे इसे बिछाना है, पर वो अभी सो रहा है, जब वो उठेगा तब मैं करूँगी, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, वो अपने आप नीचे जाएगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे जज करेंगे कि मैं शादी में गई थी और उसके बाद मतलब घूमने में तो आपको दिक्कत नहीं होती है, पर उसके बाद आके आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो हो सकता है किसी इंसान की लाइफ में कोई पर्टिकुलर रीज़न हो उस तबीयत के खराब होने का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑन कैमरा हाइड करके रखनी पड़ती हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, पर आप ऑन कैमरा नहीं बता सकते हो, क्योंकि हर चीज़ बताई नहीं जा सकती है कैमरे में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाइड करके रखनी पड़ती है, तो होता है कई बार, ठीक है। और मेरी लाइफ का एक ऐसा फेस चल रहा है अभी, जो मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे ना कई बार बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि मेरे पास पता है काफ़ी सारे ना नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। बोला था कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, और ना मैं करती हूँ ऐसे रिएक्ट, ठीक है, पर बहुत सारे आ रहे हैं। मैं जैसे भी रहती हूँ एकदम नॉर्मल रहती हूँ, ठीक है, घर में कोई आ रहा है या कैसा भी है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, जैसा है वैसा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं अभी जानती हूँ मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल अभी रिसेंट बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ के अंदर मेरी चल रही है, पर बहुत सारी चीज़ों से मैं अकेले डील कर रही हूँ, कि इवन राजा भी घर पर नहीं रहते हैं, ठीक है, कि राजा घर पर नहीं है। और आई थिंक आने वाले टाइम में लोग समझ जाएंगे, मुझे पता है आने वाले टाइम में जो लोग नेगेटिव भी बोल रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। पर ना मुझे ना सुबह से बहुत बकवास चीज़ें बोली जा रही हैं, तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है मुझे कोई बीमारी हो,
ठीक है, हो सकता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ को बताने में, क्योंकि जब तक आपके पास पूरी बेसिक नॉलेज नहीं आ जाती किसी चीज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि आधी अधूरी बातों को बोलना चाहिए ऑन कैमरा। क्योंकि जब आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो आप उसके बारे में बात करिए, अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, कहते ना अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है, तो उसके बारे में बात मत करिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेके मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं एकदम क्लियर बात कर रही हूँ आज, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेके मैं कन्फर्म नहीं हूँ अभी। जिस टाइम वो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, जिस टाइम वो चीज़ें प्रॉपरली अपनी जगह पे होंगी, जिस टाइम वो चीज़ें लगेगा कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ है, मुझे बता देनी चाहिए कि मैं इतनी तबीयत मेरी क्यों ख़राब है, तो मैं ऑन कैमरा वो चीज़ डिस्क्लोज करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे अगर कोई इसकी श्योरिटी नहीं है और मैं वो चीज़ आके ऑन कैमरा बोलती हूँ और उसके बाद वो चीज़ को मुझी को लेके, तो वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस चीज़ के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि आने वाले टाइम में उस चीज़ का जो बर्डन है वो अपने सर पे ले पाऊँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो ऑन कैमरा मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो हो सकता है उसका लो एच बी हो, उसको थायराइड प्रॉब्लम हो, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हो सकता है उसे और कोई प्रॉब्लम हो, उसे इम्यून, उसे कुछ, उन्हें कुछ इम्यून सिस्टम से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो। तो पहले चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे उस चीज़ की पूरी नॉलेज है, तब मैं आप लोगों से वो बात करूँगी, पर फिलहाल नहीं। और रही बात प्रेगनेंसी की, यार आप प्रेग्नेंट हो और ये हो, आप बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपना वेट कंट्रोल करो, अपना पेट कंट्रोल करो, खाने पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है, इतना मत खाया करो। मैंने बहुत इंडियंस को देखा है, ये कमेंट्स आते हैं, मैंने बहुत इंडियंस को देखा है जिनका बेसिक मोटिव सिर्फ खाना खाना होता है और फिर पेट निकालना होता है, ठीक है, कि वो खाते रहते हो और फिर उनका पेट निकल जाता है। तो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी को रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसके कारण उसको कुछ इश्यूज़ हो रहे हो, उसके कारण उसका पेट निकल रहा हो, उसके कारण उसे बहुत सी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा हो। आके सिर्फ बोल देना, ठीक है, कि आप इतने टाइट कपड़े क्यों पहनती हैं, मुझे बहुत सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, ठीक है, मेरे जो नॉर्मल कपड़े भी थे, मैं अपनी हुडीज़ लेके आई थी, वो हुडीज़ उस टाइम पे टाइट नहीं थी, जितनी टाइट वो अभी हो गई हैं। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं वो मैक्सिमम टाइट हो रहे हैं, मेरी यहाँ से नहीं, मेरी बेली उससे बहुत टाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मोटा, मुझे भद्दा, सारी चीज़ें बोलने से पहले आप सोच लीजिए कि वही चीज़ें अगर आपकी फैमिली में किसी को बोली जाती तो कैसा लगता। हो सकता है किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, वो आपको अभी नहीं बता सकता है, ठीक है, पर आप आके उसे, सिर्फ आपको नेगेटिव कमेंट करना है, सिर्फ आपका मेन पर्पस ये है कि आपको बिहाइंड सिर्फ आपको टाइप करना है और चीज़ें बोलनी है, तो वो आपका पर्पस है। मैं, मेरे साथ तो नहीं, आप वही चीज़ें 10 लोगों के साथ करते होगे, पर कुछ कारण होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वेट गेन कर रही हूँ, मैं कोई योगा नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वॉक कर रही हूँ अभी, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वरना मैं कंट्रोल कर चुकी होती। पर ठीक है, अगर मैं मोटी भी हो रही हूँ तो अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ें वैसी नहीं है फिलहाल जो आपको ऑन कैमरा दिख रही है। ऑन कैमरा मैं आपको हंसती हुई दिख रही हूँ, ठीक है, ऑन कैमरा मैं आपको बहुत अच्छे मूड में दिख रही हूँ, ठीक है, पर हम लोग की अभी फ़िलहाल बैक कैमरे के पीछे लाइफ क्या चल रही है, कितनी टेंशन में चल रही है, कितनी उसमें चल रही है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो हो रही हूँ मैं मोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रही है, मुझे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप लोग के सामने विजिबल हैं, पर हार्मोनल प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारी मेडिसिन भी खा रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने इलाज कराना शुरू किया है, उसमें भी काफ़ी लोगों को तकलीफ है, ठीक है, उसमें भी बहुत लोगों को तकलीफ़ है। मैंने इलाज कराना शुरू किया, उसमें भी बहुत लोगों को तकलीफ़ है, जब मैं इलाज नहीं करा रही तब भी बहुत लोगों को तकलीफ़ थी। तो एट लास्ट एक ही सार बनता है कि आप अपनी लाइफ में चाहे अच्छा करो, आप अपनी लाइफ में चाहे बुरा करो, हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी ही आपसे। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में आपको लोग, कुछ लोग जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और एनी अदर थिंग, लोग होंगे ही होंगे जो आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ ना कुछ बोल के चले जाते होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेना सीखो, लाइफ में चीज़ें होती हैं, हर कोई आपको पसंद करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छे इंसान को हर कोई पसंद नहीं करता। तो चलिए, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो।